तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पार्टी शॉप और ये जो है जाता है चांदी की तरफ और इस तरफ आप देख रहे हैं जाता है इन्ना और ये जो है ये आजाद बस्ती जवाहर नगर की तरफ जाता है रोड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। आज है ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और मैं जनाब के साथ जाने वाली हूँ आज बाहर। अभी घर पर आए हैं जनाब के दोस्त जिसान और आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर के रिपोर्टर सरफराज। सरफराज और जिसान के जाने के बाद मैं आ गई हूँ जनाब के साथ बाहर और जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि आज मैं बाहर जाने वाली हूँ। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में पार्टी चौक और आप देख सकते हैं यहाँ से ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़, ये आसमान, ये मौसम, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरी गाड़ी रुक चुकी है पांडी चौक के पास और यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पांडी चौक और ये जो रोड है ये जाता है चांदनी की तरफ और इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये रोड जाता है डिन्ना और ये जो है ये आज़ाद बस्ती जवाहर नगर की तरफ जाता है रोड। और अब हम लोग पार्टी से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद जाना है डिमना लेक। और यहाँ से फिर अब हम लोग रिटर्न वापस जाएंगे
क्योंकि बहुत आगे आ चुके हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इससे आगे जाना मुनासिब नहीं है। पता है राजिया, पहले जब इधर से जाते थे हम लोग दरभंगा, पहले रूट यही वाला था, तो ये सब कुछ नहीं था। ये अभी रिसेंट पता नहीं कब कटा नहीं कटा, मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम बहुत दिन बाद इधर आए। ये रास्ता से नहीं आए हम लोग, हम लोग सोनारी चले गए थे, सोनारी से उधर। हाँ तो वहां से चांडिल से पहले रास्ता, ये रास्ता में जुड़ गया था, मिल गया था। सो फ्रेंड्स, ये था पार्टी टू डिमना लेक का पार्ट वन, और पार्ट टू इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।